Hello guys, welcome to the tutorial of Paul Phoenix. So talking about this character, Paul Phoenix is the most destructive character in the game. Or after Devil Jin, he is the best comeback character in the game. So ye aapko kahin se bhi comeback dila dega game mein. और जैसे बोलते हैं कि अ कंप्लीट कैरेक्टर, इसके पास नॉकडाउन लो है और मस्त 15 फ्रेम पनिशर है, 15 फ्रेम सेफ लॉन्चर भी है और हॉप किक भी है. सो ये तो हो गया कैरेक्टर ओवरव्यू. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 10 मूव्स की. सो यस, सो लेट्स बिगिन विद टॉप 10 मूव्स ऑफ पॉल फिनिक्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो नंबर वन मूव से शुरू करते हैं. मतलब ये सारी जो मूव्स मैं बताने वाला हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, सारे 10 के 10 मूव्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद QCF 2. यस, डेथ फिस्ट. ये पॉल का सिग्नेचर मूव के साथ साथ बेस्ट मूव है पूरे गेम में, और ये मूव आपको कहीं से भी कमबैक दिला सकता है. डेथ फिस्ट के दो वर्जन हैं, एक इंस्टेंट डेथ फिस्ट है, वो 15 फ्रेम की है. सॉरी, ये तो लंबी वाली हो गई, नहीं बता रहा हूँ, नहीं वो 40 डैमेज करती है. ये 40 डैमेज वाली डेथ फिस्ट है, ये 15 फ्रेम्स की है, और ये 16 फ्रेम की डेथ फिस्ट है जो कि 60 डैमेज करती है. दोनों ही डेथ फिस्ट हाईली लॉन्च पनिशेबल है, पर हार्डली कोई कैरेक्टर अदर देन कूमा पेंडा इसे हर सिनेरियो में लॉन्च पनिश कर पाते हैं. ड्रैगनोव इसे 90% केसेस में QCF 1 से लॉन्च कर सकता है. इनफैक्ट आसुका भी 90% केसेस में कैन लॉन्च डेथ फिस्ट. नंबर सेकेंड है आपका QCF 1. QCF 1 इज़ अ सेफ लॉन्चर फॉर पॉल एंड इट्स अ हाई क्रश 2, और बहुत ही अच्छा मूव है, और इसको आप मिक्स कर सकते हैं अपनी डेथ फिस्ट के साथ. पॉल के पास हाई क्रश ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, तो मेक श्योर कि आप QCF 1 को अच्छे से यूज़ करें. तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद है Down 1. पर Down 1 ये क्लासिक Down 1 जो है पॉल के पास शायद Tekken 2 से है, और इसके बाद इसका जो है नॉर्मल सेटअप जो है वॉल पे हमेशा बना रहता है. जब आपको KO करने का मूड हो तो Down 1 4, या फिर Down 1 Down Back 4 और Down 1 2 जो कि मिड है, वो भी हाईली पनिशेबल है. और Down 1 जो है आप बेसिकली जो है गर्म गेम में जरूर यूज़ करना चाहेंगे जब सिनेरियो क्रिटिकल है और आप कोई भी जो है लो को काटना चाहते हैं. तो ख़ासतौर से एडी के अगेंस्ट ये एक मस्ट यूज़ मूव है Down 1 हर बार. नंबर 3 की बात करें तो है QCF 3. ये सो QCF 3 एक बहुत ही अच्छा पोक है पॉल का, क्योंकि क्या है कि ये आपको जो है पोक करने के लिए तो इस यूज़ में आएगा ही, और इसको आप हमेशा जो है डेथ फिस्ट से मिक्स करना चाहेंगे या फिर क्राउच पे आके हॉप किक जरूर मारना चाहेंगे. तो और अच्छी बात यह है कि इट्स नॉट लॉन्च पनिशेबल एंड इट्स अ काउंटर हिट लॉन्चर एज वेल. आप और बेटर कॉम्बोज पे भी मार सकते हैं स्क्रू के साथ. तो नंबर 3 के बाद आता है नंबर 4. नंबर 4 पे है अपना डेमोलिशन मैन. इस गेम में डेमोलिशन मैन बहुत आसान कर दिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है, और पॉल का एक बेस्ट नॉकडाउन लो मूव है. दिस मूव विद द डेस्ट फेस इज मेक्स व्हाट पॉल अ कंप्लीट कमबैक कैरेक्टर इन द गेम. अच्छी बात यह है कि जो पॉल का जो स्वे है, इसको आप स्वे से मिक्स करके डेस्ट फेस आराम से निकाल सकते हैं. इसका एक ब्लू वर्जन भी है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, नॉट अ बिग डील इन दैट. और आप हमेशा चाहेंगे कि इसे आप जो है अपने स्वे से हमेशा मिक्स करें इस तरह से. ये और फिर डेमोलिशन मैन. हाँ, पर इसे आप ज़्यादा अब्यूज़ ना करें, क्योंकि इट इज़ आल्सो हाईली लॉन्च पनिशेबल.
अराउंड माइनस 22 और 21 ऑन ब्लॉक. तो बट येस इट्स अ मस्ट यूज मूव फॉर पॉल एज वेल. तो दीज वर दी फोर टॉप मूव्स. और इसके बाद बात करेंगे, येस पॉल के पास एक और बहुत ही अच्छा मूव है, वो है QCB-4. आई थिंक इसकी कमांड है, हाँ, QCB फिर थोड़ा वेट करके 2. इसको आप काफ़ी लेट भी निकाल सकते हैं. क्या है कि जब आप स्वे करते हैं पॉल से, जो कि मैंडेट है, पॉल का गेम ही जो है स्वे पे डिपेंडेंट है, तो स्वे पे आप हमेशा जो है मौका देख के इसको 2 से पनिश करना चाहेंगे कोई भी मूव. और अभी अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी सारे हाई मूव्स को और जो है अच्छा विप पनिशमेंट टूल है, हाई को क्रश भी करता है. तो QCB-2 बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है. इसके बाद पॉल का सबसे इम्पोर्टेंट मूव है QCB-4. इट्स अ होमिंग और इट्स अ मस्ट यूज टूल फॉर पॉल. इसको आप जो है डाउन फॉरवर्ड 1 बैक के बाद भी निकाल सकते हैं. और अच्छी बात यह है कि ये मूव डिलेबल है, लेकिन आई प्रेफर कि इसे आप ज़्यादा अब्यूज़ मत करिए क्योंकि इट्स अ हाई. तो बेटर है कि आप इसको QCB के बाद जो है निकालें. और किसी भी साइड स्टेप करने वाले अपोनेंट को ये आराम से पकड़ लेता है. और अच्छी बात इस मूव के बारे में ये है कि इट्स अ काउंटर हिट लॉन्चर, ठीक है, जैसे कि आपने देखा. आराम से 82 डैमेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. इसको और भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये पॉल का, और इसे आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक. और इसके बाद आता है पॉल का एक और सबसे यूज़फुल मूव, जो कि एक पोक भी है, वो है साइड स्टेप 3. पर साइड स्टेप 3 को आप हर बार जो है साइड स्टेप DF1 से जो है मिक्स करेंगे. पॉल का DF1 भी बहुत अच्छा है. इट इज़ 14 फ्रेम सेफ मूव. डाउन 3 इज़ नॉट सेफ, -12 ऑन ब्लॉक, पर इट्स अ मस्ट यूज मूव. और ख़ासतौर से वॉल के सिनेरियो में ये बहुत ही ज़रूरी मूव है साइड स्टेप. और क्योंकि ये ड्यूरिंग साइड स्टेप है, तो आप कभी भी इसको हॉप किक के साथ या फिर जिस मूव के भी साथ मिक्स करना चाहें मिक्स कर देंगे. नेक्स्ट पॉल का सबसे इसके बाद जो है जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, वो है डाउन 1+2. ऑल्दो इट इज़ हाईली पनिशबल, बट इट इज़ मेरे हिसाब से तो ये गेम की बेस्ट 12 फ्रेम मिड मूव है. और ये वॉल स्प्लिट भी देता है, और इसके बाद एक डेथ पेस आप मार सकते हैं और गेम ख़त्म. अच्छी बात ये है कि अगर पॉल के पास वैसे बैक 1-2 है, जो कि बहुत ही अच्छी हिटबॉक्स वाला है, पर वॉल के अगेंस्ट जब भी आपको -12 या फिर -13 की पोजीशन मिले, खासतौर से वॉल पे आपको किसी ने हॉप किक मारी हो, तो बहुत ही अच्छा टूल है. और अगर आप जैसे कि कभी कभी लेट हो जाता है जस्ट फ्रेम, क्योंकि बैक 1-2 आपको हमेशा जस्ट फ्रेम देना पड़ता है, तो बेटर टू गो फॉर डाउन 1+2 हॉप किक्स को पनिश करने के लिए. हमेशा काम करेगा. और अच्छी बात यह है कि ये नॉकडाउन करता है अपोनेंट को. बट येस इसे आप अब्यूज मत करिए, बिकॉज इट इज़ -16 ऑन ब्लॉक. कोई भी इसे आराम से लॉन्च कर देगा अगर आप अब्यूज़ करते रहे तो. हाँ, गर्म गेम में बहुत ही मुश्किल है इसे जो है देख के लॉन्च पनिश करने में. सो वेरी गुड मूव टू यूज़ एंड डिपेंड्स ऑन हाउ यू मिक्स इट अप. वेल, सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूव ऑफ पॉल इज राइजिंग थ्रू 2. इट्स अ 13th फ्रेम पनिशर. मतलब ख़ास तौर से इसे ड्रैगनोव के डाउन 2 को और जैक के राइजिंग 2-1 को पनिश करने के लिए यूज़ किया जाता है. और इसे आप हमेशा जो है मिक्सअप करने के लिए यूज़ करेंगे. आपको कुछ नहीं करना है, राइजिंग 3 के बाद इसे छोड़ देना है. और इसकी ट्रैकेबिलिटी बहुत ही अच्छी है. और ये जो है पॉल के लेफ्ट साइड साइड स्टेप करने वाले अपोनेंट को ट्रैक करता है. इसके बाद येस, हाँ, नेक्स्ट मूव ऑन द लिस्ट इज बैक 1+2. पर गेम का मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा है कि हाई पावर क्रस को सेफ रखा है, मिड को -12 रखा है. तो बहुत ही अच्छा मूव है बैक 1+2. इसकी ट्रैकेबिलिटी भी अच्छी है, ऑल्दो इट इज़ साइड वॉकेबल ईजिली, पर वॉल में ये मस्ट यूज़ मूव बन जाता है. और बीच में भी आपको बैक 1+2 जो है घुसाने की आदत
डालनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा टूल है, वॉल स्प्लैट देता है और ऑफ गार्ड भी जो है अपोनेंट को कैच कर लेता है। तो पॉल का पावर क्रश इज गुड, नॉट द बेस्ट इन द गेम बट यस अ वेरी गुड पावर क्रश शेट। और इसके बाद बात करेंगे, हाँ एक और लॉन्चर है पॉल का, वो है फॉरवर्ड फॉरवर्ड फोर। इसे आप इंस्टेंटली निकालने की प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपको काम बन जाएगा। इट्स अ सेफ लॉन्चर और ऑन ब्लॉक शायद प्लस वन है, उसके बाद बारी आपकी रहती है। पर यस इट्स अ लीनियर, दोनों साइड ही जो है अपोनेंट आपको जो है साइड ट्रैक कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप क्लोज रेंज से इसको यूज़ करें, ख़ासतौर से जब आपको लगे कि अपोनेंट कोई जो है नॉकडाउन सिचुएशन में है और वो कोई लो मार्क उठना चाह रहा है। और ये एक अच्छा लो क्रश भी है और डैमेज एनी हाउ इस कॉम्बो पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की हाउ यू हैव प्रैक्टिस। ठीक है, तो टॉप 10 मूव्स के बाद बात करते हैं पॉल के बेसिक गेम की। तो पॉल एक ऐसा करेक्टर है जिसे आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दूर से खेलें, और हमेशा चिपक के खेलेगा। और फास्ट में आपको दो चार चीज़ें बिल्कुल ख्याल में रखनी है। एक तो आप पनिशमेंट के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, 12 फ्रेम पनिशर ये आपके पास रहेगा, 10 फ्रेम में आपके पास ये और प्रोडक्शन कर सकते हैं 1 2 3 से, इट्स अप टू यू। तो आपको पास में रहना है हमेशा, डाउन फॉरवर्ड वन निकालना है, डाउन फॉरवर्ड बैक अगर होल्ड करते हैं तो बॉल प्लस 3 में चला जाता है। ये आप हर बार अब्यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी जो है आप पकड़ा जाएंगे, क्योंकि तो अगर आप मशीन वॉश के अगेंस्ट है तो वो लोग चाहेंगे कि आपको एक इलेक्ट्रिक इसी में डाल दें। तो आपको DF1 यूज़ करना है पास से, डाउन 4 यूज़ करना है, अगर क्राउड जब डक करे तो डाउन 1+2। ऑल दो इट इज़ अ डेंजरस ऑप्शन पर पॉल का गेम वैसे ही बनेगा। अगर अब इस रेंज पे है तो आप DF3 यूज़ कर सकते हैं, 16 फ्रेम की DF3 है, -10 है, पर इसके बाद 4 आता है और 4 डिलेबल है। और अच्छी बात यह है कि ये मूव दोनों साइड ट्रैक करता है। और फिर इसको, हाँ जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, पॉल का स्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास स्वे के बाद नेचुरल 4 भी दिया हुआ है हर करेक्टर के पास। तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क विद डेस्पिस और डेमोलिशन मैन और नीदर यू आर गोइंग फॉर दिस ऑप्शन, अगर आपको किसी F3 मारने में थोड़ा सा लग रहा है कि द अपोनेंट इज़ रीडिंग यू बैडली, तो आप ये मूव आराम से आप निकालना शुरू करिए। आप QCF4 निकालिए, मिड सेफ, और फिर इसके बाद DF1। और इसी तरह आपको पास में क्राउज से राइजिंग 3 का गेम बनाना पड़ेगा, राइजिंग 3 डाउन 1, फिर से राइजिंग 3 डाउन 1, फिर डाउन बैक 4। ये गेम आपका हमेशा लगे रहेगा। पॉल से सट के खेलना बहुत ज़रूरी है, और जब आपको लगे कि हाँ अपोनेंट जो है अब कहीं नहीं जा रहा है तो एक डेमोलिशन मैन, इस तरह से पॉल से सट के खेलना ही जो है बॉल को और भी ख़तरनाक बनाता है। और इसके पास एनरिक राइजिंग 2 तो है ही, एनी वे डैमेज आप हमेशा ऑप्टिमाइज कर ही लेंगे। इसके बाद हाँ ये तो बेसिक गेम की बात हो गई, अब एडवांस पोकिंग की बात करें तो हाँ वो वैसे भी वो भी जो है आपका बेसिक गेम की है। साइड स्टेप 3 पास से आपको देना ही देना है, क्लोज रेंज से आप बैक 4 भी देंगे, मतलब आपको अपोनेंट के पास में ही रहना है। अब क्या है कि कुछ लोग जो है पास आने के लिए फॉरवर्ड 4 यूज़ करते हैं, अपोनेंट को उसी का वेट होता है क्योंकि पॉल के अधिकतर मूव जो है साइड स्टेपेबल हैं, राइट फ्रॉम द डेथ फेस्ट फ्रॉम ये फॉरवर्ड 4 सारे मूव्स जो है साइड स्टेपेबल हैं। तो आपको हमेशा स्वे से आना आगे आना है, स्वे से पीछे जाना है, स्वे से आगे आना है। बैक स्वे में पॉल के पास बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो डाउन फॉरवर्ड के बाद जब आप बैक होल्ड करते हैं तो स्वे का ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन उसको आप अब्यूज़ नहीं कर सकते। मेक श्योर कि हाँ ये, लेकिन क्या करें पॉल का गेम ऐसी तरह बनेगा, डाउन फॉरवर्ड 1 के बाद बैक करके बाद आप जो है 2 मारेंगे, और जब आप देख रहे हैं कि आपको पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है, अपोनेंट खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आप एक नया सेटअप मारेंगे डाउन फॉरवर्ड 1 के बाद बैक के बाद 4, फिर आप प्लस में चले जाएंगे और फिर आप DF2 अब्यूज़ कर सकते हैं। पॉल का DF2 सेफ है, लॉक इधर है, और ये पॉल के राइट साइड ट्रैक भी करता है,
प्लस इशू बस इस मूव के साथ ये है कि क्राउच अपोनेंट को लॉन्च नहीं कर पाएगा। एनीवे जब आप प्लस में हैं तो ये बहुत ही सेफ ऑप्शन बन जाता है आपके लिए यूज़ करने के लिए गेम का। ये तो हो गया क्लोज गेम की बात और एडवांस पोकिंग। अब इसके बाद कुछ और जो है बॉल के एडवांस मूव्स की बात करते हैं। इसके बाद एक मूव है डाउन फॉरवर्ड टू द बूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है जहाँ पे आपका जो है QCF 4 ये -8 ऑन ब्लॉक है शायद, वहीं आपको आप इसको मिक्स कर सकते हैं डाउन फॉरवर्ड फोर। एक तो ये स्पेस क्रिएट करता है प्लस इट इज़ न्यूट्रल ऑन ब्लॉक, तो आपको पास जाके डाउन फॉरवर्ड फोर बॉल को ये तो होगा। ठीक है चलो ये एडवांस पोकिंग हो गई। सो फिर बात करते हैं बॉल के कुछ ओकी ऑप्शन की। तो बॉल का बेस्ट ओकी है ओके जेमी डाउन बैक टू एंड इट इज़ सिमिलर टू डेविल जिन्स बैक फोर। क्या है कि डेविल जिन जब आपको नॉकडाउन करता है तो अधिकतर जो है प्लेयर्स के दिमाग में रहता है कि हेल्थ स्वीप आएगा नहीं तो बैक फोर आएगा। बैक फोर क्या करता है, नॉकडाउन एनिमी को जो है उठा देता है। सॉरी लूसिफर आई एम बिजी इन मेकिंग अ ट्यूटोरियल। हाँ तो डाउन बैक टू की बात कर रहे थे। डाउन बैक टू आपको हमेशा एक नॉकडाउन अपोनेंट के लिए यूज़ करना है क्योंकि आपको डेमोलिशन मैन का सेटअप जिंदा रखना है। हर बार आप उठाएंगे क्योंकि अपोनेंट चाहेगा कि डेमोलिशन मैन ऊपर से निकल जाए उसके बाद वो लोग उठें, तो आपको ऐसा बिल्कुल मौका ही नहीं देना है। आपको डाउन बैक टू फ्री में ले जाना है ताकि आपके पास डेमोलिशन मैन का सेटअप जिंदा रहे। हाँ डेमोलिशन मैन की एक सबसे बड़ी शॉर्टेज ये है कि ये क्लोज रेंज से ही अपोनेंट को नॉकडाउन करता है, तो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा पास से मारें उतना ज़्यादा सही रहेगा। वैसे एनी हाउ मैंने जो है बताया ही है कि पॉल का क्लोज गेम बेस्ट है गेम में, आपको पास रह के पॉल से खेलना है और मेक श्योर कि यू मास्टर दिस स्वे। स्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉल का। सो दीज वर दी ओकी ऑप्शंस ऑफ पॉल। हाँ इसके अलावा यस डाउन टू का ऑप्शन हमेशा पॉल के पास रहेगा फॉर द नॉकडाउन अपोनेंट जो कि चैट टेकन 3 से है, पर इसमें ये एडवांस डाउन बैक टू दिया है जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है किसी भी नॉकडाउन अपोनेंट के अगेंस्ट यूज करने के लिए। हाँ सो अब कुछ और इम्पोर्टेंट मूव्स हैं जिसे आपको गेम में टाइम टू टाइम यूज़ करना ही पड़ेगा फॉर मिक्सर। तो सबसे पहले आता है 4-1+2। ये मूव आपको प्लस फ्रेम देता है, तो एनी हाउ इसको आप क्लोज रेंज से यूज़ ज़रूर करेंगे अपनी बारी बना के रखने के लिए, और इसको आप ग्रैब से भी मिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप एक और मूव यूज़ करेंगे वो है साइड स्टेप 1। प्लस फ्रेम में ये ऑप्शन आपके पास बहुत सही है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि साइड स्टेप 3 रहेगा आपके पास, फिर जो है साइड स्टेप 1, क्योंकि आप अधिकतर क्लोज गेम में साइड स्टेप जाएंगे, हॉप किक का जो है आप सेटअप बना के रहेंगे, नहीं तो साइड स्टेप चेक करने के लिए कि इन केस आपको अपोनेंट डक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साइड स्टेप DF1 आपको देना ही है इस तरह से। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपका साइड स्टेप 1 पड़े क्योंकि साइड स्टेप 1 विल गिव यू +1, फिर से आपकी बारी बनी रहेगी। साइड स्टेप 1 के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन यूज़ करने के लिए, आप DF2 यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आप शेडर के लिए जा सकते हैं। हाँ शेडर बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है यूज़ करने का टेकन पॉल के लिए। टेकन 5 में इसकी रेंज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी और टेकन 6 से पॉल नर्फ कर दिया गया तो शेडर की रेंज काफ़ी कम कर दी गई है, और 7 में इट इज़ डिसेंट नॉट दैट गुड, इस रेंज से दूसरा हिट पड़ सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टूल है। इट इज़ ऑल्सो -13 ऑन गार्ड, पर आप हमेशा जो है इसे क्लोज रेंज से बीच में ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे। कॉम्बोस यू कैन ईजली गेट इनटू इट। सो दिस वर सम यस। हाँ एक मूव और रह गया बैक स्वे के बाद 1+2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉल के पास हाई क्रश ऑप्शन बहुत कम है, तो ये बैक स्वे कभी कभी आपको हाई क्रश
पे सॉरी जैप्स पे लॉन्चर दिला देगा इफ़ इन केस यू आर श्योर कि आवर ओपोनेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द राउंड विद अ हाई जैप मेक श्योर यू डू दिस ईच टाइम. इसके बाद कुछ और जो है यूजेबल मूव है जो आप टाइम टू टाइम ज़रूर यूज़ करेंगे वो है स्वे डक स्वे वन. डक स्वे वन क्या है कि अगर एक पड़ता है तो दूसरा गारंटीड है, दूसरे से बचना बहुत मुश्किल है. और अच्छी बात यह है कि इट्स अ काउंटर हिट लॉन्चर. 77 डैमेज तो कहीं नहीं गया. इसको भी आप और मैक्सिमाइज कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप जैसे कि गर्म गेम में कभी कभी जो है तुरंत जो है पड़ जाता है तो उसके बाद आप तुरंत डेथ फेस मार सकते हैं. 70 डैमेज तो आपको वहीं पर मिल जाता है. हाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है. इसके अलावा गेम में एक बैक टू दिया है और इसको फॉलोड बाय चार्ज वन, ये भी फॉल को प्लस देता है. तो अब अगर आप क्लोज गेम में रहेंगे और आपने जो है रीड्स अच्छे किए हैं और आपका पनिशमेंट अच्छा है तब बॉल आपको कभी निराश नहीं करेगा. आप कभी भी कैरेक्टर की कंप्लेन नहीं करोगे कि अरे आई लॉस बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर. बॉल आपको हमेशा जो है रिवॉर्ड दिलाएगा. तो यू नीड टू ट्रस्ट एंड यू नीड टू मास्टर दिस वे. कहीं से भी किधर भी स्वे किसी भी साइड स्टेप लेके आप स्वे जो है आपको मास्टर करना पड़ेगा क्योंकि बॉल का मेजर टूल यही है. बॉल के पास एक लो लॉन्चर भी है लेकिन ये बहुत ही हद तक विजिबल है और आराम से इसे देख के गार्ड किया जा सकता है. तो इसे आपको मिक्स करना होता है इस तरह से. और फिर जैसे ही आपको लगे कि कोई हाई आने वाला है तुरंत वाइल्ड क्रॉचिंग BF 1+2 आप मार सकते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉल इज़ अ कम्प्लीट कैरेक्टर. इसके पास लो लॉन्चर भी है, हाई लॉन्चर भी है, सेफ लॉन्चर, हाई सेफ लॉन्चर जो है कि QCF 1, और फिर हॉप किक भी है और DF 2 सेफ है और पोक्स हैं इसके पास, नॉकडाउन लो मूव्स हैं, पावर क्रश सेफ है. बस आपको क्लोज गेम खेलना पड़ेगा पॉल के साथ क्योंकि दूर से पॉल के पास इतने कुछ खास मूव्स नहीं हैं. डेथ फेस है, वो भी साइड स्टेपेबल है और हाईली लॉन्च पनिशेबल है. और हाफ जो है इंटेंस गेम में डेथ फेस ज़्यादा अब्यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि वंस दीज पीपल स्टार्ट साइड स्टेपिंग योर मूव तो आपको गेम वहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो पॉल का हाई लेवल गेम होमिंग से बनता है. तो होमिंग में आपको दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, एक तो अप बैक टू जो कि काउंटर हिट लॉन्चर है. अच्छी बात है ये देखने वाली कि पॉल के जितने भी होमिंग मूव हैं वो काउंटर हिट लॉन्चर, मतलब तो इतना क्यों ख़तरनाक कर दिया है पॉल को. ये है इसके बाद आई थिंक 3-71 डैमेज ये है, फिर ये है. और इनफैक्ट आप यू कैन नेवर अंडरस्टिमेट QCF 3, ये भी जो है दोनों साइड ट्रैक करता है, काउंटर हिट पे लॉन्चर है. सो दिस इज़ आर पॉल टफेस्ट फाइटर ऑफ द यूनिवर्स. और जैसे कि मैंने बताया आपको ड्रैगनोव और क्या नाम है आशुका और कुमा ये सारे कैरेक्टर एंटी पॉल हैं. तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस बाय प्लेइंग अगेंस्ट दिस कैरेक्टर्स कि वहाँ पे आपको क्लोज रेंज जाना नहीं है और डेथ फिस्ट आप गलती से भी अब्यूज़ नहीं कर सकते, डेमोलिशन मैन आप अब्यूज़ नहीं कर सकते. तो आपको थोड़ा सा जो है वर्कआउट करना पड़ेगा इन तीन कैरेक्टर के अगेंस्ट. आगे सारे कैरेक्टर्स के लिए आपका सारा काम स्वे से और पास DF1 से निकल सकता है. DF1 इज़ अ मस्ट यूज मूव फॉर पॉल. हाँ एक एक मूव रह गया, ये मैं कैसे भूल गया, QCF 3+4. जैसे कि मैंने बताया कि स्वे में पॉल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डेमोलिशन मैन, डेथ फिस्ट, ये जो है QCF राइजिंग 4 जो कि जनरेट राइजिंग 4 जैसा है, QCF 3 लो जो कि लॉन्च पनिशेबल नहीं है, और उसे में ये ऑप्शन चार्ज चाउन लगा देता है. इट्स अ सेफ मूव -9. अधिकतर लोग इसे इस पर लॉन्च हो जाते हैं. होता क्या है कि वो जो है तुरंत इसको होल्ड बैक करना पड़ता है गार्ड के लिए. तो मेक श्योर कि आप जब भी ये मूव जो है ये ब्लॉक हो आप बैक होल्ड कर लें.
चलिए अब बात करते हैं फॉल की लिमिटेशंस की। तो एक लिमिटेशंस मुझे समझ में ये आती है कि अगर आप दूर मतलब हिटबॉक्स फॉल का कुछ खास नहीं है, अगर आप डेथ फिस्ट को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई भी जो है मूव उसका हिटबॉक्स बड़ा नहीं है। दैट्स वाई कहते हैं कि फॉल से आपको क्लोज रेंज में खेलना पड़ता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हिटबॉक्स को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए फॉर फॉरवर्ड फोर यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ये मूव आराम से साइड स्टेप हो जाता है। तो यही है कि आपको घुसना पड़ेगा पॉल से, पॉल कैरेक्टर ही ऐसा है कि आपको घुसना पड़ेगा। इसके अलावा पॉल की कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। 10 फ्रेम पनिशर, 12 फ्रेम पनिशर, 15 फ्रेम विथ पनिशर बेस्ट इन दी गेम, और फिर इसकी रेज आर्ट तो है ही बढ़िया। पॉल की रेज ड्राइव, वेल पॉल की रेज ड्राइव जो है चिप डैमेज की कैपेबिलिटी रखती है। तो वॉल पे अगर आपको केओ करना है तो पॉल की रेज ड्राइव कभी भी आ सकती है। ओपोनेंट रेज प्लेयर रेज ऑन कर देते हैं, पॉल और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब पॉल रेज में होता है। गलती से भी आपने 12 देखा तो आप ये तो पनिश करोगे, फिर इसके बाद डेथ फेस आपको एक्स्ट्रा डैमेज दिलाएगी, और फिर सॉरी डेमोलिशन मैन आपको एक्स्ट्रा डैमेज दिलाएगी, और फिर ऑब्वियस सी बात है जब आप रेज में हो तो आप नॉर्मल डेथ फेस यूज़ करने नहीं वाले हो, आप ये यूज़ करोगे 60 डैमेज और सेफ मिड और चिप डैमेज कैपेबिलिटी, और इसको आप जो है कॉम्बो के एंड में भी मार सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3+4 के बाद ये फिर एक और डेथ फिस्ट। नॉर्मली आप एक डेथ फिस्ट मारेंगे तो दूसरी डेथ फिस्ट नहीं पड़ने वाली है, ना ही डेमोलिशन में। बेटर टू गो फॉर दिस देन दिस, इसीलिए से बोलते हैं बेस्ट कमबैक कैरेक्टर। ओके सो हम लोग आ गए हैं एक फ्लोर ब्रेक स्टेज में। तो इधर हम लोग बात करने वाले हैं पॉल के कुछ ग्रैप्स के बारे में। 2+4 बैक, एक अच्छा कमांड ग्रैप है वैसे, ये भी अच्छा बहुत सिंपली है, और इसके पास एक फ्लोर ब्रेक ग्रैप भी है। सॉरी अच्छा ओ लेकिन इसको क्या कॉम्बो मारेंगे आई हैव नो आइडिया, मतलब बैक से लिया था। इसमें मैं इसका फ्लोर ब्रेक ग्रैब की बात कर रहा था, वो है DF 1+2, ये फ्लोर ब्रेक देगा। तो इसको पूरी कॉम्बो मार सकते हैं लेकिन सिनेरियो ही गड़बड़ हो गया। तो आराम से बैक 1-2 पड़ता है और उसके बाद आप जो है डेथ फिस्ट मार सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक पॉल के वॉल गेम के बारे में। तो पॉल का वॉल गेम पूरे ही जो है कैरेक्टर लाइनअप में अगर देखें तो सबसे ख़तरनाक जो है वॉल गेम है। अगर आपको वॉल पे डेथ फेस या डेमो मैन पड़ गया तो आप 50% तक जो है डैमेज लूज कर जाओगे। लेट्स हैव अ लुक। ₹96 डैमेज तो कहीं नहीं गया, और ये विदाउट रेज है, विदाउट काउंटर हिट। अब गेम में 90% केसेस में इट हैज़ टू बी काउंटर हिट, सो आप समझ ही सकते हैं कि वॉल पे कितना डेडली है पॉल। दूसरा ऑप्शन है पॉल के पास आई थिंक, हाँ एक बार डेमो मैन का डैमेज देख लेते हैं। वैसे जगह आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप उधर कितने भी जो है QCF 1 मार सकते हो, शायद बैक टू बैक 2 पड़ता है, उसके चक्कर में आप ना पड़ो तो अच्छा है, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें परफेक्ट नहीं हो। नहीं तो यस पॉल डैमेज में जो है आपको कभी जो है निराश नहीं करेगा। बात करते हैं डेमो मैन की, तो डेमो मैन में भी 66 डैमेज किसी भी हाल में जाएगा शायद, मैंने कंफर्म एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स हैव अ लुक इस पे, मेरे हिसाब से तो शायद इससे ऊपर जाना चाहिए, शायद मैंने लास्ट वाली डेथ फेस सही से नहीं मारी। देखते हैं आ गया भाई,
बालकनी ब्रेक तो देगा ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।